5, 4, 3, 2, 1. क्या हुआ? कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे क्या? अरे भाई नहीं कर रहे थे तो कर लीजिए ना, क्योंकि आज अपनी 5 स्टार ऑडियंस के लिए मैं लेकर आई हूँ एक 5 कोर्स मील। गेट रेडी, क्योंकि आज केवल 5 रेसिपीज ही नहीं शेयर कर रही हूँ मैं आपके साथ, आई एम गोइंग टू आंसर सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मसलन कि ये 5 कोर्स मेन्यू होता क्या है, कैसे इसका मेन्यू आप प्लान करेंगे, कैसे इन्हें आप सर्व करेंगे, टेबल कैसे लेआउट करेंगे, एंड जस्ट अबाउट एवरीथिंग एल्स यू नीड टू नो अबाउट सर्विंग अ 5 कोर्स मील। तो शुरू करें। तो इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि हमारा आज का 5 कोर्स मेन्यू क्या है, अजी जनाब ये तो जान लीजिए कि 5 कोर्स मेन्यू में होता क्या क्या है। अ 5 कोर्स मील कंसिस्ट ऑफ, सबसे पहले तो एपेटाइजर, फिर एक सूप, फिर एक सैलड, मेन कोर्स और डिजर्ट। कभी कभी क्या होता है, सैलड हटा दिया जाता है, मेन कोर्स नंबर 3 पे आ जाता है और नंबर 4 पे आ जाता है चीज और फ्रूट्स। आज हम इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। तो जैसे जैसे मैं एक कोर्स की तरफ बढ़ूंगी आपको उस कोर्स के बारे में सब कुछ बताती जाऊंगी, ठीक है? हाँ, लेकिन पहले ये जरूर बता दूंगी आज हमारा मेन्यू जो है वो मॉडर्न इंडियन होगा, यानी कि हमारा अपना देसी खाना लेकिन एक नए अंदाज में। फर्स्ट कोर्स है एपेटाइजर्स, या जिसे हम आधे वूज भी कहते हैं, और इसका काम होता है आपकी एपेटाइट को बढ़ाना, यानी कि आपकी भूख को थोड़ा सा बढ़ाना है। इसीलिए हमारा आज का एपेटाइजर है एक बहुत ही ट्रेंडिंग चाट बोर्ड। आजकल जैसे कि बटर बोर्ड्स और इसी के साथ साथ चीज प्लैटर्स बहुत ही कॉमन हो रहे हैं, बहुत ही पॉपुलर हो रहे हैं ना, उसी से इंस्पायर्ड है हमारा ये चाट बोर्ड भी। अच्छा, चाट में ना सारे 5 फ्लेवर्स होते हैं, जैसे कि खट्टा, मीठा, तीखा, नमकीन, हल्की सी कड़वाहट भी। और ये जानते हैं सारे फ्लेवर्स मिलकर क्या करते हैं? ये सारे फ्लेवर्स मिलके आपकी एपेटाइट यानी कि भूख बढ़ाने का काम करते हैं। इसी के साथ साथ ये आपके डाइजेशन को भी इम्प्रूव करते हैं। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर बॉइल्ड पोटेटोज को छन्नी से छान लिया था और इसके बाद इसमें मेल्टेड बटर और थोड़ा सा सॉल्ट मिला करके अच्छे से मैश कर लिया है, एकदम फाइन मैश लाइक दिस। अब इसकी प्रेजेंटेशन इजी करने के लिए जानते हैं मैं क्या करूँगी, मैं इसे एक पाइपिंग बैग में भर लूंगी जिसमें ऑलरेडी मैंने एक स्टार नोजल फिट कर लिया है। इसे अच्छे से बीट कर लीजिए ताकि ये एकदम सॉफ्ट और क्रीमी हो जाए। एंड नाउ वी विल फिल दिस इन अ पाइपिंग बैग। तो अब मुझे चाहिए होगा एक वुडन बोर्ड। अब इस वुडन प्लाटर पे मैं ये आलू के फ्लोरेट्स पाइप आउट कर लूंगी। अगर आपके पास पाइपिंग बैग ना हो या फिर ऐसा नोजल ना हो ना, तो आप किसी भी पॉली बैग में इसे भर करके एक स्निप करके एंड और राउंडल्स इसके ऊपर इसी तरह से पाइप आउट कर सकते हैं। छन्नी से छान लेने से देखिए क्या फ़ायदा होगा, नोजल ब्लॉक नहीं होगा आपका, आलू बहुत इजीली इसमें से फ्लो आउट करेगा। अब इन मैश पोटैटो फ्लोरेट्स के ऊपर हम दही, खट्टी चटनी, मीठी चटनी, इन सबको ड्रिजल कर लेंगे। मेरा सजेशन ये है कि आप मीठी चटनी को किसी छन्नी से पहले छान करके फिर उसे एक स्क्वीजी बॉटल में भर के उससे पाइप आउट कीजिए, देखिए काम कितना आसान हो जाएगा। अब खट्टी चटनी के ब्लॉब से इसे डॉट करते हैं, सम फ्रेश पोमेग्रेनेट सीड्स टू ऐड कलर एंड अ बर्स्ट ऑफ फ्रेशनेस, लेमन वेजेस, मिंट लीफ और थोड़ा सा चाट मसाला भी। अब बोर्ड के एज को लाइन करेंगे हम पापड़ी के साथ। So whoever wants to enjoy the chaat board picks up a papdi and scoops out the chaat with it. Dekha how beautiful this is. Lekin isse pehle ki hum apne next course ki taraf aage badhe, main aapko ek bar phir se remind kara dun. At the end of this video na keval main aapko ye sare courses ko serve karna sikhaungi balki table kaise layout karte hain ye bhi bataungi. To video ko end tak dekhiyega. Aur chaliye ab banate hain apna second course jo hoga ek soup. अच्छा, द चॉइस ऑफ सूप दैट यू सर्व ना, वो डिपेंड करता है आपके बाकी के सारे मेन्यू पर। तो अगर तो आपका मेन कोर्स बहुत हैवी होने वाला है तो अपने सूप को आप थोड़ा सा लाइट रखिएगा, बहुत सारी अगर आप डिशेज सर्व कर रहे हो मेन कोर्स में। और अगर तो मेन कोर्स इतना हैवी नहीं होने वाला है, देन यू कैन बी अ लिटिल इंडल्जेंट विद योर सूप, थोड़ा सा आप उसको हैवी भी कर सकते हैं।
तो मेरे सूप के बारे में अब आपको कुछ बता दूं। मैं बनाने जा रही हूँ कॉर्न और बादाम का शोरबा, यानी कि कॉर्न एंड आमंड सूप। इसके लिए देख लीजिए, सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने यहाँ पर पहले से ही अलाइन कर लिए। नाउ आई एम मेकिंग अ कॉर्न आमंड सूप, क्योंकि मेरा जो मेन कोर्स है ना, वो बहुत इंडल्जेंट नहीं होने वाला है। इट्स नॉट वेरी एलैबोरेट। तो इसके लिए पहले मैंने यहाँ पर ये थोड़े से अनियंस को फाइन चॉप कर लिया है। अब अपने पैन में मैं लूँगी थोड़ा सा बटर। अब इसमें ऐड करेंगे ये फाइन चॉप किए हुए अनियंस, इसके साथ एक टीस्पून फाइन चॉप गार्लिक भी, और इसे सौते कर लेंगे जब तक कि अनियंस ट्रांसलूसेंट पिंक नहीं हो जाते। मैं इसमें दो छोटी बे लीव्स यानी कि तेज पत्ता, और साथ ही साथ दो लौंग भी ऐड कर रही हूँ फॉर अ लिटिल बिट ऑफ फ्लेवर। और अब इसे मैं थोड़ा कुक कर लूँगी जब तक कि ये ट्रांसलूसेंट पिंक नहीं हो जाता, यानी कि गुलाबी नहीं हो जाता। 2 से 3 घंटे के लिए मैंने ये बादाम भी स्टोक करके रख दिए थे, और अब इनको भी छील ले रही हूँ, और इस बादाम को पीस के मैं इसका एक पेस्ट बना लूँगी। देखिए अनियन भी अब पिंक हो चुका है, और इसी के साथ साथ गार्लिक भी फ्रेग्रेंट हो चुका है। अब इसमें ऐड करूँगी मैं 1 कप ऑफ फ्रोजन कॉर्न। सौते दिस फॉर जस्ट अबाउट 2 मिनट्स, और इसमें 1 कप पानी डाल के मैं इसे तब तक पका लूँगी जब तक कि ये कॉर्न जो है वो अच्छे से गल नहीं जाता है। तब तक क्या करेंगे, ये आमंड्स को थोड़े से पानी के साथ पीस के इसका एक फाइन पेस्ट प्रिपेयर कर लेंगे। नाउ बादाम पेस्ट आल्सो डन। इसे यहाँ जो कॉर्न पक रहा है ना, इस बोल में मैं ऐड कर दूँगी। इस जार को भी थोड़ा सा पानी से वॉश करके वो सारा पानी मैं इसमें वापस पलट दूँगी। कॉर्न और बादाम अब पिछले 5 से 6 मिनट के लिए पक चुका है। गैस को करते हैं हम बंद। इसे कम्प्लीटली कूल डाउन कर लेंगे, फिर इसमें से ये जो बे लीव्स है ना, इन्हें निकाल के डिस्कार्ड कर देंगे, और इसे ब्लेंडर में ब्लेंड करके एक स्मूद इसका प्योरे बना लेंगे। अब एक स्ट्रेनर की हेल्प से इस सूप को मैं पहले स्ट्रेन कर लूँगी, ताकि इसमें कहीं भी कोई भी कॉर्न के या बादाम के पार्टिकल्स ना रह जाएं। अब ये जो कॉर्न कर्नल्स का स्किन इसमें रह गया है, या फिर बादाम के कुछ पीसेस रह गए हैं ना, इन्हें हम डिस्कार्ड कर देंगे। वंस अगेन आई एम गोइंग टू ब्रिंग दिस टू अ बॉयल, और अब इसमें ऐड करेंगे नमक, और साथ ही साथ में थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर भी। आई विल ऑल्सो ऐड जस्ट अबाउट 1/2 टीस्पून ऑफ चिली फ्लेक्स टू गिव इट सम हीट। मैं इसमें थोड़ा पानी और ऐड करूंगी टू मेक अप फॉर द क्वांटिटी ऑफ सूप दैट आई रिक्वायर। अच्छा, ये सूप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इंडल्जेंट सूप है, इसमें बादाम का पेस्ट गया है ना, इसलिए इसमें ज़्यादा क्रीम नहीं ऐड करनी पड़ेगी। आई एम जस्ट गोइंग टू ऐड 1/2 कप ऑफ क्रीम। स्टर दिस, ब्रिंग दिस टू अ बॉयल, और हाँ, 4 से 5 मिनट के लिए इसको सिमर करने के बाद आप इसे टेस्ट करके इसकी सीजनिंग को ज़रूर एडजस्ट कर लीजिएगा। सो माई सूप हैज़ बीन कुकिंग फॉर 7 to 8 मिनट्स। गैस कर दी है मैंने बंद, और आई एम गोइंग टू ऐड जस्ट 1 टीस्पून ऑफ लेमन जूस टू दिस। किस लिए? इसके जितने फ्लेवर्स हैं ना, उनको लिफ्ट अप करने के लिए, नहीं तो ये सूप थोड़ा ब्लैंड हो जाएगा। इसलिए अपने सूप को गर्म रखने के लिए जानते हैं मैं क्या करूँगी, मैं इसे एक राइस कुकर के कीप वार्म मोड पर रख दूंगी, ताकि लेटर आई डोंट हैव टू रीहीट इट, एंड इट इज रेडी टू सर्व व्हेन आई नीड इट। एंड नाउ वी मूव ऑन टू आवर 3rd कोर्स, जो होगा हमारा मेन कोर्स। अच्छा, मेन कोर्स में ना ज़्यादातर एक कोई प्रोटीन होता है, जैसे मीट। अब इस प्रोटीन को हम सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं पनीर के साथ, और इसके साथ सर्व होता है कोई ना कोई स्टार्च, जैसे कि पोटैटो, ब्रेड, रोटी। तो हम क्या करने जा रहे हैं, हम बना रहे हैं एक पनीर टिक्का बिरयानी, जो कि काफ़ी इंडल्जेंट भी होगी, लेकिन हाँ, बहुत इलैबोरेट मील नहीं होगा ये। अच्छा, जो मेरे नॉन वेजिटेरियन फ्रेंड्स हैं ना, वो इस पनीर को रिप्लेस कर सकते हैं बोनलेस चिकन के साथ, एंड जस्ट फॉलो द सेम रेसिपी एग्जैक्टली। पनीर के क्यूब्स हमने कट कर लिए हैं, अब क्या करेंगे, अब इसके लिए पहले एक मैरिनेट प्रिपेयर कर लेंगे। मैरिनेट बनाने के लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पर 2 टेबलस्पून सरसों का तेल। अब इस सरसों के तेल में मैं ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट। इसी के साथ 1/2 कप ऑफ थक्का दही यानी कि हंकर्ड, 2 टीस्पून ऑफ कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें सॉल्ट ऐड कीजिए, फाइन चॉप की हुई ग्रीन चिलीज, थोड़ी कसूरी मेथी। अब इन सबको अच्छे से विस्क करके इसका एक मैरिनेट प्रिपेयर कर लीजिए। अब इसमें अपने पनीर के पीसेस को हम ऐड कर देंगे, और इनको लाइटली इसमें रोल करके मैरिनेट के साथ अच्छे से मिला करके
मैं इसे छोड़ दूंगी तकरीबन आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए। तो जब तक हमारा पनीर मैरिनेट होता है, बिरयानी के लिए यहाँ पर हम राइस भी प्रिपेयर कर लेते हैं। पनीर बिरयानी बनाने के लिए यहाँ बासमती राइस को ऑलरेडी मैंने पिछले आधे घंटे से सो करके रख लिया है। अब ये पानी जो हमने यहाँ चढ़ाया है, पहले इसे एक रोलिंग बॉयल पे आने देंगे और तब इसमें ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस। तो ऐड करेंगे हम 2 तेज पत्ता, 3 मोटी इलायची, 2 टुकड़े दालचीनी के, कुछ दाने काली मिर्च के, 5 से 6 लौंग और 4 से 5 मिनट के लिए इसे इन मसालों के साथ हम बॉयल होने देंगे। अब एक पैन में ऑयल हीट करेंगे और इसमें डालेंगे स्याह जीरा, दालचीनी एंड स्लाइस्ड अनियन। अब इनको सौते कर लेंगे जब तक ये गोल्डन नहीं हो जाते। अब ये देखिए, ये अनियन जो है अच्छे से गोल्डन हो चुका है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे अपने मैरिनेट किए हुए पनीर के पीसेस। इसे 3 से 4 मिनट के लिए आप स्टर कर लीजिए ताकि पनीर के पीसेस इन सारे फ्लेवर्स के साथ, मसालों के साथ अच्छे से पक जाएं। हमारा बिरयानी राइस भी यहाँ पर रेडी हो चुका है, इसे स्ट्रेन कर लेते हैं। अच्छा, अब राइस को कितना कुक करना होता है? राइस को हमें कुक करना होता है जब तक कि वो 3/4 कुक ना हो जाए। कभी भी फुल्ली डन राइस का इस्तेमाल नहीं करते हैं, फॉर द सिंपल रीज़न जब आप उसमें दम लगाएंगे ना तो वो ओवर कुक हो जाएगा। इसलिए अब पनीर भी डन, राइस भी डन, अब बारी आती है बिरयानी को लेयर लगाने की। अब मैंने क्या किया है, यहाँ पर मेरे पास पैन में ऑलरेडी मैंने आधा चावल लेयर करके रख लिया है। अब इसके ऊपर ये कुक्ड पनीर की हम एक लेयर लगाएंगे। अब इस पनीर की लेयर पे स्प्रेड कर देंगे बाकी का ये राइस। अब इसका बचा हुआ ये जो झोल है ना, यानी कि ग्रेवी, इसको हम अपनी बिरयानी पर स्प्रिंकल कर देंगे। टॉप करेंगे इसे थोड़े मिंट लीव्स के साथ, स्प्रिंकल करेंगे इस पे थोड़ा सा केवड़ा जल, जस्ट अबाउट 2 स्पून्स, उससे ज़्यादा नहीं तो उसकी कड़वाहट आ जाती है। अब इसे डॉट करेंगे बटर के साथ और टॉप करेंगे सैफरन के साथ, जिसे मैंने यहाँ पर गुनगुने पानी में भिगो करके रखा हुआ है। नाउ कवर दिस और इसको कम से कम 20 मिनट के लिए आप धीमी आंच पे पकने दीजिए, जब तक कि हमारी बिरयानी में अच्छे से दम नहीं आ जाता। और तब तक हम बढ़ जाएंगे अपने 4th कोर्स की तरफ। सो लेट्स फर्स्ट पुट दिस असाइड एंड नाउ फॉर आवर 4th कोर्स, एक पैलेट फ्रेशनर फ्रूट और चीज के साथ। एंड आई एम डूइंग पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी एंड चीज क्यूबर्स। अलग से कोई मैं चीज बोर्ड नहीं यहाँ पर सेटअप कर रही हूँ, इनको स्क्यूवर्स पे सेट कर रही हूँ, सो दैट इट बिकम्स वेरी इजी टू पास इट अराउंड। सिंपली इन चीज क्यूब्स को मैं क्वार्टर्स में कट कर लूंगी और सेम साइज के मैंने यहाँ पर ये पाइनएप्पल के पीसेस भी कट कर लिए हैं। स्ट्रॉबेरीज को भी इक्वल साइजेस में कट कर लूंगी एंड देन ऑल आई नीड इज अ टूथपिक टू असेंबल दी। डन, हमारा 4th कोर्स यानी कि एक पैलेट रिफ्रेशिंग चीज एंड फ्रूट्स का प्लेटर भी रेडी हो गया, बिरयानी का भी दम आ चुका है। अब बढ़ते हैं अपने 5th कोर्स की तरफ। अच्छा, क्योंकि मॉडर्न इंडियन मेन्यू है ना हमारा, इसीलिए डिजर्ट के लिए मैं सर्व कर रही हूँ एक रसमलाई ट्रिफल। वेरी सिंपल। अब सबसे पहले तो मैं क्या करूँगी, अपने ग्लासेस में नीचे ये स्पॉन्ज केक के पीसेस को कट करके स्प्रेड कर दूंगी। तो उसके लिए पहले स्पॉन्ज केक को हम छोटे पीसेस में कट कर लेते हैं और अपने ग्लासेस में नीचे स्प्रेड कर दूंगी। नाउ आई एम गोइंग टू टॉप ईच ऑफ दीज बेसिस विद 1 रसमलाई। प्रेस दिस डाउन ताकि ये थोड़ा सा सेटल हो जाए। पोर करेंगे इसके ऊपर थोड़ा सा ये रस मलाई का मिल्क, जस्ट अबाउट 1 टेबल स्पून मोर, एंड प्रेस दिस डाउन ताकि आपका जो स्पॉन्ज है ना वो रस मलाई मिल्क के साथ थोड़ा सा सोक हो जाए। अब ये व्हिप्ड क्रीम में मैं ऐड करूंगी अबाउट 1/2 कप ऑफ दिस मिल्क। ये जो रस मलाई का फ्लेवर्ड मिल्क है ना, ये ऐड कर देंगे हम इसमें, और ऐड करूंगी ये सैफरन जो मैंने गुनगुने पानी में सोक करके रखा हुआ है। फोल्ड दिस इन वेरी लाइटली, हल्के हाथ से आप इसको इसके अंदर फोल्ड कर लीजिए। अगर आप इसे किसी पाइपिंग बैग में फिलअप कर लेना तो आपके लिए इसे इन ग्लासेस पर पाइप आउट करना बहुत ईजी हो जाएगा। नाउ लेट्स टॉप दिस विद सम चॉप्ड पिस्ताशियोस। और अब इसे टॉप करते हैं रोज पेटल्स के साथ। नाउ दिस ग्लासेस आर गोइंग इनटू द रेफ्रिजरेटर टू बी चिल्ड।
अच्छा, अब क्योंकि हम एक 5-course मील प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसका टेबल कैसे लेआउट करना है ये मैं आपको बताऊंगी। फॉर्मल टेबल सेटिंग होती है, लेकिन घबराइए मत, आपके लिए इसे मैं बहुत ही सिंपल बना दूंगी। चलिए अब चलते हैं डाइनिंग टेबल की तरफ। तो इससे पहले कि हमारे गेस्ट आ जाएं, आपको ये बता दूं कि आपको अपना टेबल लेआउट कैसे करना है, कैसे अपनी कटलरी सेट करनी है और कैसे अपनी क्रॉकरी को सेट करना है फॉर अ फॉर्मल लेआउट। तो ये है हमारी डिनर प्लेट विच विल बिकम द बेस ऑफ ऑल आवर सेटिंग। अब इसके लेफ्ट में यहाँ पर रखी है हमने अपनी ब्रेड प्लेट और राइट में रखेंगे हम यहाँ पर अपना ड्रिंक ग्लास। वी आर फॉलोइंग अ सिंपल B&D रूल। ये देखिए, लेफ्ट हैंड ब्रेड और राइट हैंड डी, यानी कि ब्रेड और ड्रिंक्स। अब इसके ऊपर मैं रख रही हूँ यहाँ पर अपनी ये सूप प्लेट। द सूप बोल विल बी केप्ट इन द सेंटर ऑफ द प्लेट एंड वंस द सूप कोर्स इज ओवर द प्लेट विल बी रिमूव्ड कम्प्लीटली। द टेबल नैपकिन विल बी केप्ट ऑन द ब्रेड प्लेट। आप चाहें तो इसे अपनी सेंटर प्लेट पे भी रख सकते हैं। एंड नाउ लेट अस सेट अप द कटलरी। तो फोक आएगा लेफ्ट पे और ये नाइफ आएगी ऑन द राइट। अब नाइफ के बाद आएगा हमारा डिनर स्पून और सबसे बाहर हम रखेंगे अपना सूप स्पून। तो सिंपल सा रूल फॉलो करते हैं, फ्रॉम आउटवर्ड्स टू इनवर्ड्स, यानी कि क्योंकि सूप पहले सर्व होगा, सूप स्पून सबसे बाहर की तरफ टू द एक्सट्रीम राइट, सो दैट व्हेन यू फिनिश योर सूप कोर्स आपका सूप स्पून यहां से हट जाएगा। द डिजर्ट स्पून विल गो ऑन द टॉप ऑफ योर प्लेट फेसिंग टुवर्ड्स द ड्रिंक ग्लासेस। तो ये हमारा फॉर्मल टेबल लेआउट हमने कर दिया है। एंड नाउ बिफोर द गेस्ट कम इन, मैं भी तैयार होकर आ जाऊं।